अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बताया, कैसे हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है वो बताया, क्या यूज़ करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा कर दे सकते हैं वो मैंने आपको बताया। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी क्रॉप को जो ग्रो किया है अब हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें और हमको इनसे किससे प्रोटेक्ट करना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वीड्स। सबसे पहले तो व्हाट इज वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। आप किसी फार्मिंग एरिया में गए होंगे, वहाँ आपने एक जो एक्चुअल में जो क्रॉप है उसके अलावा कुछ अनवांटेड प्लांट्स देखे होंगे। ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं यही है वीड्स। यहाँ मैंने इसकी कुछ स्पीशीज मेंशन की है, जैसे कि जेंथियम, पार्थेनियम। पार्थेनियम आपका वो जो गाजर घास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो अगर ये जो अनवांटेड प्लांट्स आपके फार्मिंग एरिया या आपके क्रॉप फील्ड में प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे, ये आपकी जो एक्चुअल क्रॉप है ये उससे कॉम्पिटिशन करेंगे। अब किस चीज़ के लिए कंपटीशन करेंगे? न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, ठीक है, स्पेस के लिए। इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, उससे कंपटीशन करेंगे। अब जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप को ज़रूरत थी न्यूट्रिएंट की, बट अब जब ये जो वीड्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, कंपटीशन करेगा और उस क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी क्रॉप है वो इफेक्ट होगी, या तो वो यील्ड कम देगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिलने से तो कुछ ना कुछ तो क्रॉप पे असर पड़ रही है। तो आपको क्या करना है, अर्ली स्टेज में ही इन वीड्स को हटा देना है। मतलब जो आपका फार्मिंग एरिया है, जो आपका क्रॉप फील्ड है, वहाँ से आपको इन अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ के फेंक देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये तो था फर्स्ट। नेक्स्ट है इंसेक्ट और पेस्ट। अब ऑब्वियसली सी बात है, क्रॉप है तो कोई ना कोई इंसेक्ट, कोई ना कोई पेस्ट तो वहाँ प्रेजेंट होगा आपकी क्रॉप को इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। वैसे तो इंसेक्ट और पेस्ट कई तरह से प्लांट पे फील्ड पर इफेक्ट करते हैं, बट वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। क्या करते हैं ये इंसेक्ट और पेस्ट, ये रूट को कहीं से पार्ट से कट कर देते हैं, लीव्स में कट कर देते हैं, स्टेम में कट कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई प्लांट की कोई लीफ होती है तो वहाँ पे एक छेद बना हुआ होता है, तो वो किसकी वजह से है, किसी इंसेक्ट ने वहाँ पे अटैक किया है, उस पर छेद कर दिया। नेक्स्ट दे सक द सेल शेप, सेल शेप को सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। दे बोथ इनटू द स्टेम एंड फ्रूट, ये स्टेम और फ्रूट में छेद कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं ये इंसेक्ट और पेस्ट प्लांट पे अटैक करते हैं या आपकी क्रॉप फील्ड पे अटैक करते हैं और ये इस तरह से उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है, उनको खराब करते हैं। तो क्या करना है आपको इंसेक्ट और पेस्ट से बचने के लिए, आपको इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है। और ये आपको कब करना है, अर्ली स्टेज में करना है, क्योंकि अगर आपने देर की तो कहीं ना कहीं आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है पैथोजेंस। जिस तरह ह्यूमन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं जिन्हें हम पैथोजेंस बोल सकते हैं, उसी तरह प्लांट में भी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई डिजीज कॉज करते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है जो प्लांट पे अटैक करता है, ठीक है। अभी अटैक कैसे करता है या कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाय सॉइल, वाटर, एयर। क्या तो ये सॉइल के थ्रू, सॉइल में प्रेजेंट रहकर ये प्लांट को इफेक्ट करेगा, वाटर के थ्रू, हम किस सोर्स से वाटर ले रहे हैं इरिगेशन के लिए, अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मान लो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये ट्रांसमिट होकर आपकी क्रॉप में आ गया। एयर के थ्रू, एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो एयर के थ्रू भी क्या आपके ट्रांसमिट होकर आपकी क्रॉप में आ सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे पैथोजेंस है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिसीज कॉज करेंगे, ये डिसीज कॉज करेंगे तो क्या होगा, उससे आपका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा और आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी पैथोजन से भी प्लांट को बचाना है। तो वीड्स, पेस्ट और पैथोजन, इनसे अगर आपको प्लांट को बचाना है तो आपको करना क्या है, आपको इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप प्लांट्स को अर्ली स्टेज में ही बचा पाएं। क्योंकि अगर आप इनको, आपको अपना प्रोडक्शन बचाना है तो आपको क्रॉप को प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा, बट आपको इनको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर अपन इन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए आप जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसका ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करा तो ये आपकी क्रॉप को ही इफेक्ट करेगा, ये वहाँ पे अपना हार्मलेस इफेक्ट छोड़ना शुरू कर देगा, जो हार्मफुल इफेक्ट है इसका वो आपकी क्रॉप पे होने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम
क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जो सीड यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा हो जो पेस्ट असिस्टेंट हो, डिजीज असिस्टेंट हो, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी की फसल मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इस तरह से आप अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।